हाय फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? आपका अपना चैनल साहिल एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात कर रहे हैं बिहार यूनिवर्सिटी BA पार्ट टू, सब्जेक्ट है साइकोलॉजी ऑनर्स, पेपर थर्ड, इसका टॉप 10 क्वेश्चन है। दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन दबा दें जिससे कि जो भी वीडियो हम अपलोड करें सबसे पहले आप तक पहुँच सके। चलिए दोस्तों, हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, निरीक्षण विधि के गुणों एवं अवगुणों की व्याख्या करें। निरीक्षण विधि के गुणों एवं अवगुणों की व्याख्या कीजिए। दूसरा क्वेश्चन है, शोध प्रतिवेदन के लिखने की विधियों का वर्णन करें। तीसरा क्वेश्चन, एक अच्छे साक्षात्कार के विशेषताओं का मूल्यांकन करें। एक अच्छे साक्षात्कार के विशेषताओं का मूल्यांकन करें अथवा प्रयोगशाला में प्रयोग विधि के लाभ एवं हानियों का वर्णन करें। चौथा क्वेश्चन, स्तरित प्रतिचयन के गुणों एवं सीमाओं की व्याख्या करें। पांचवा क्वेश्चन है, शोध समस्या की खोज में सहायक प्रमुख स्रोतों का वर्णन करें। छठा क्वेश्चन, सामान्य वितरण वक्र की विशेषताओं एवं उपयोगों की व्याख्या करें। सातवां क्वेश्चन है, मनोवैज्ञानिक शोध में मध्यमान एवं प्रामाणिक विचलन अर्थात SD के उपयोगों का वर्णन करें अथवा केंद्रीय प्रवृत्ति से आप क्या समझते हैं। केंद्रीय प्रवृत्ति के मुख्य मापों का वर्णन करें। दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को